YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राखी मेकअप लुक, और इस मेकअप को ना मस्ती करोगे, कजिन से मिलोगे, भाइयों से मिलोगे, तो इतना ज़्यादा हैवी बेस करने का कोई सेंस नहीं है। मिनिमल मेकअप करो, बट ऐसा लगना चाहिए बहुत प्रेजेंटेबल दिख रहे हो। सो मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी स्टेप्स को बहुत ही लाइट रखो, बिकॉज आपको घर में रहना है और गर्मी का टाइम है तो स्वेट बहुत होगा। सो बहुत ही मिनिमल मेकअप अप्लाई करो। तो इसलिए सिर्फ मैं कंसीलर के साथ ही करूँगी, बेस में सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी, फाउंडेशन नहीं यूज़। मैं ये एल्फ का कंसीलर ले रही हूँ, जो मेरे शेड से बिल्कुल मिलता जुलता कंसीलर है, तो आप भी अपने शेड से बिल्कुल मैचिंग कंसीलर को ले लेना। एंड अपने अंडर आई एरिया पे जहाँ जहाँ भी लगता है आपको आपके पिगमेंटेशंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ वहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है। मैं यहाँ नोज़ के अंदर की साइड भी अप्लाई करती हूँ, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिज पे अप्लाई करती हूँ, अपने लिप्स के आसपास थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर मेरे पिगमेंटेशंस हैं वहाँ वहाँ मैं उसको अप्लाई करती हूँ, लाइक दिस। यहाँ पर अप्लाई कर, यहाँ पे मेरा एक स्पॉट है, मैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को स्पॉट्स हैं, बट जहाँ से मुझे ऐसा क्लोजली लग रहा है
वहाँ वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। मेरे को यहाँ फोरहेड पे बहुत ज़्यादा टैनिंग सी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैनिंग मेरे फोरहेड पे है, सो मैं इसको हल्का सा फोरहेड पे अप्लाई अब कर मैं लूँ। ब्यूटी ब्लेंडर, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। मेक श्योर कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो उसको अच्छे से गीला करके उसको पूरा पानी उसका निचोड़ दें, उसके बाद उसको ब्लेंड करना स्टार्ट करें। आपका ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, और इससे ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। मतलब कोई भी एक्सेस आपके फेस पर प्रोडक्ट नहीं रहेगा, सारा सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ भी एक एक्सेस बच रहा है तो ब्यूटी ब्लेंडर उसे सोख के दूसरी जगह पे स्प्रेड कर देगा। तो मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल करती हूँ एज़ कम्पेयर टू ब्रशेज़, क्योंकि ब्रशेज़ क्या होता है कि वो आपको प्रोडक्ट जो है वो हैवी, अगर आपको मेकअप करना है तो आप वो यूज़ करो, अगर आपको सीमलेस मेकअप करना है तो मेक श्योर कि आप ब्यूटी ब्लेंडर, वेट ब्यूटी ब्लेंडर को ले लो और उसी से ब्लेंड करो, ताकि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन स्किन जैसी दिखेगी। तो ब्लेंड आपको कंसीलर को वहीं वहीं करना है जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर को अप्लाई किया है, पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका शेड देखो मेरी स्किन से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो बिल्कुल सेम आपकी स्किन टोन का जो कंसीलर है वो ही आपको यूज़ करना है। या ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग इज़ द की। मतलब लिटरली आप उसको अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, मेकअप बहुत सीमलेस लगने वाला है। जस्ट लुक माई फेस यहाँ पे एंड दिस साइड। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो पहले वाला कंसीलर है वो आपकी शेड से, स्किन टोन से बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए, सो नेक्स्ट कंसीलर मैं ले रही हूँ मेरी स्किन से एक दो शेड लाइट ले रही हूँ, ताकि मैं अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर सकूँ और फेस ना थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर फेस को मिल जाए और एक हाइलाइटर का भी काम करे, क्योंकि अभी मेरा फेस जो है बहुत फ्लैट फ्लैट लग रहा है। सो मैं ये वाला कंसीलर ले रही हूँ और इसको मैं वहीं वहीं अप्लाई करूँगी जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है अपने एरियाज को, लाइक दिस। यहाँ पे नोज के ब्रिज पे यहाँ पे अप्लाई करूँगी, और मैं ना हमेशा कंसीलर को यहाँ पे अप्लाई करती हूँ ताकि मुझे कंटूरिंग की नीड नहीं रहती, तो एक स्टेप आप इसमें कम कर सकते हो, कंटूरिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। सो मैं हमेशा कंसीलर को यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, चिन पे अप्लाई करूँगी थोड़ा सा। अब जो भी मैंने एरिया इस वाले कंसीलर से हाईलाइट किए हैं वो देखो एक तरह से आपके फेस को ऐसा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा और स्ट्रक्चर देगा, लाइक मैंने जो यहाँ लगाया है वो एक कंटोरिंग का काम कर रहा है, क्योंकि इधर से मेरा फेस थोड़ा सा ब्राइट लगेगा और यहाँ से आपकी कंटोरिंग हो जाएगी, एंड देन अंडर आई एरिया भी एक लिफ्ट हो जाएगी आपके अंडर आई नोज़ पे एंड चिन पे एंड यहाँ पे। सो मेक श्योर करो आपने अगर आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो दो कंसीलर यूज़ कर लो जो आपके हाइलाइटर का भी काम करें एंड कंसीलर फाउंडेशन सारा। अब इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी। इसको तो मतलब पहले वाले कंसीलर का जो एक्सेस बच गया था वो तो मैंने थोड़ा बहुत ड्रैग कर लिया था, इसको आपको बिल्कुल ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि अपन को सिर्फ हाइलाइटिंग वाले एरियाज पर रखना है। तो वहीं वहीं ब्लेंड करो जहाँ पर आपने अपना कंसीलर अप्लाई किया है। जस्ट लुक इट, अभी आईज पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है और इवन टोन हो गई है, इसी तरीके से इस आइज को भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पे जो भी कंसीलर मैंने लगा रखा ना, इसको मैं इसी शेप में ब्लेंड करूँगी, इसको कहीं भी इधर उधर ड्रैग नहीं करना है। जस्ट लुक इट, ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरा फेस जो है वो शार्प हो गया है, और कंटूरिंग भी मैंने इसमें करी है बट मैंने नहीं करी है। आई एम मूविंग ऑन टू क्रीम ब्लश, और मैं क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं उसी के बाद अपना जो फेस है वो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से पैक करूंगी, बिकॉज अभी मैं इसलिए पैक नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो अभी सब कुछ क्रीम क्रीम वाली चीज़ें अप्लाई हो रही है, तो इसी के साथ मैं अपना ब्लश अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं पूरे फेस को कॉम्पैक्ट से पैक कर दूँगी, कंसीलर को भी पैक कर दूँगी। सो टेकिंग माई ब्लश, इस ब्रश के अंदर मैं ब्लश को ले रही हूँ एंड मैं इसको ड्रैग करते करते थोड़ा सा यहाँ पे भी लिफ्ट करूँगी। सो जस्ट टेक इट एंड ब्लेंड इट लाइक दिस। ये मैंने थोड़ा सा ना फ्लफी ब्लश लिया है, बट थोड़ा सा ना ये छोटू वाला ब्लश है, ताकि मेरे जहाँ जहाँ पे मुझे ब्लश को लगाना है वहीं पे ये ब्लेंड हो। सो मैं यहाँ चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं भर 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 के लगाती हूँ, आपको जितना लगाना है आप उतना लगा सकते हो, अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाना चाहिए। स्लो कर दी गाइस, कितना ज़्यादा सीमलेस मेरा फेस जो है वो लग रहा है। मेकअप करते टाइम थोड़े से ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाने पड़ेंगे, बट बना लेना, सबका मेकअप थोड़ा सा से जहाँ करना है वहीं होगा। अब मेरा ब्लशिंग का काम हो चुका है, अब मैं करूँगी अपने फेस को कॉन्टोर। तो जो भी मेरा ब्लश था वो मैं अपने हाथों के पीछे जहाँ भी आपको इस ब्रश के अंदर रह गया उसको ऐसे 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 अपने हाथों पर कर देना है, एंड देन मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। कॉम्पैक्ट को सबसे पहले मैं अपने लगाऊंगी
अंडर आई एरिया पे। अब मैंने जिसे कंसीलर के जस्ट बाद मैंने अपने फेस को बेक नहीं किया था, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही अब मैं एक दो स्टेप के बाद अगर बेक कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपना वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और यहाँ पे एक बार कंसीलर के नीचे नीचे इस तरीके से मैं लगा लूँगी एंड देन मैं बाद में ब्लेंड करूँगी। तो जो भी आपके क्रीजेस आ गए होंगे ना, वो क्रीजेस आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हटा दोगे एंड देन यू हैव टू बेक। तो दिस इज द स्टेप, यहाँ पे भी मैं कर दूंगी। मेन जो क्रीजेस होते हैं वो है अंडर आई एरिया पे ही आते हैं, सो वहीं पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और ब्लश लगाने के बाद जब आप अपना फेस को कॉम्पैक्ट करते हो तो जो ब्लश आपका एक्सेस अगर कहीं पे गिर गया है, फॉल आउट हो गया है, आपके कॉन्टोरिंग को ख़राब कर रहा है, आपके थोड़े से लिप्स एरिया पे या स्माइल वाले जो लाइनिंग पे आ गया ना, तो वहाँ पे आप अगर बाद में कॉम्पैक्ट करोगे तो वो हार्श लाइनिंग हट जाएगी और ब्लश भी है वो थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो जाएगा। सो या डन विथ माई कॉम्पैक्ट। सो अब बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैं हमेशा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, अभी मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं एक ऐसे शेप की स्पूली ले रही हूँ। करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आईब्रोज़ को आपको कोम करना है। कोम इसीलिए करना है कि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट अगर आपके आईब्रो पे लग गया है, फाउंडेशन, कंसीलर, कोई भी, तो वो आपके आईब्रो से हट जा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा आईब्रो को यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा खाली खाली है, कुछ बाल नहीं है मेरे, तो वहाँ पर मैं इसको ले के लगा लूँगी। नेक्स्ट में सो डन विथ माई आईब्रोज। अब मैं कर दूंगी इसको कोम। कोम लास्ट में भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर आपने आईब्रो करते टाइम कोई हार्श लाइनिंग रह गई हो तो वो इससे हट जाती है और आईब्रो को काफ़ी अच्छा शेप बन जाता है। लुक एट दिस आईब्रो, ये वैसे वी वाली आईब्रो मेरी फेवरेट है। अब मैं राखी मेकअप लुक कर रही हूँ और इंडियन मेकअप लुक कर रही हूँ, तो काजल कैसे भूल सकती हूँ। सो मैं काजल अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई एरिया पे और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे, जैसे आप अपना काजल अप्लाई करते हो ना वैसे ही आपको अप्लाई करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, काजल को ना आपको अपने ऊपर वाले जो लैश लाइन एरिया है यहाँ पे भी इसको अप्लाई करना है। थोड़ा सा डार्क काजल लगाऊंगी क्योंकि मुझे बाद में इसको ब्लेंड करना है। सो डन विथ माय काजल। इस आईज पे भी मैं ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ। डन विथ माय काजल। अभी मैंने काजल को थोड़ा सा ऐसे मतलब अनइवन सा लगाया बिकॉज मुझे उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना ही है। अब मैं अपने एक लाइनर क्रिएट करूंगी काजल से ही। मेरे पास ये नायका का काजल है और ये ब्रश आता है इसके साथ, इसी की हेल्प से मैं एक रफ आई लाइनर लगा लूंगी। लाइनर लगाना लाइक दिस, बिल्कुल रफ लगाना है आपको। अगर सिस्टमेटिक नहीं लग रहा है कोई इशू नहीं, वी हैव टू ब्लेंड इट। इस ब्रश की हेल्प से मैं हल्का सा जो अपना मेरा लाइनर है ना, लाइनर और काजल, उसको मर्ज करके और थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से मैं इस पर विंग क्रिएट कर लूँगी लाइक दिस। सो बहुत टाइम बाद मैं काजल और आई लाइनर को इस तरीके से लगा रही हूँ। पहले मैं स्कूल में काफ़ी ज़्यादा लगा के जाया करती थी तो आँखों पे बहुत ज़्यादा फोकस आता था और आँखें काफ़ी बड़ी लगती हैं, सो मैं वो ही कर रही हूँ आज। मैंने दोनों आईज पे एक रफ आई लाइनर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको करूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड, ताकि अच्छा सा सीमलेस ब्लेंड हो जाए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ आपने अप्लाई कर रखा है बस वहीं इसको ब्लेंड करना, ड्रैग मत करना, बिकॉज अपन स्मोकी आई लुक नहीं कर रहे, अपन सिर्फ एक हल्का सा एक डेफिनेशन सी दे रहे हैं, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ब्लेंडिंग लाइक दिस, बस जहाँ जहाँ अप्लाई कर रखा है बस वहीं इसको ब्लेंड करना है। आई थिंक ये थोड़ा ब्रश ज़्यादा ही फ्लफी है, ठीक है हो जाएगा इससे भी ब्लेंड करना है। जस्ट लुक एट यू गाइस, दोनों आँख में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यही बोल रही थी मैं। सो मैं दूसरा ब्रश लेके आ गई हूँ। आपको भी मेक श्योर करना है कि अगर आपका थोड़ा सा अगर स्मोकी आई बन रहा है तो रहने दो, थोड़ा सा एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड करो, ताकि जहाँ पर आपको उसको ब्लेंड करना है ना वहीं पर ब्लेंड होगा। सो अब मैं इस ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब इस ब्रश से क्या होगा कि आपका जो आपको एक हल्का सा विंग लाइनर टाइप बनाना है, मतलब बहुत डिफाइंड नहीं बनाना है, सिर्फ एक रफ सा एक हल्का सा ऐसा लगना चाहिए कि एक विंग सा आपके आईज पे हो रहा है। और अंडर आई एरिया में जो भी मैंने काजल लगाया है उसको भी हल्का सा मैं ब्लेंड कर दूंगी लाइक दिस। जस्ट लुक एट यू गाइस, दोनों आईज में कितना डिफरेंस लग रहा है। ये आईज थोड़ी सी फुलर लग रही है,
है। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट में सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी, दो कोट लगाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपने फॉल्स लैश लगा रखा है। तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपनी मस्कारा को अच्छे से कर्ल कर लूंगी। है, अब मैं इस आईज पर लगाऊंगी मस्कारा, दो कोट लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट आईज करूंगी। इस पर मैं नेक्स्ट कोट भी अप्लाई करूंगी थोड़ी देर में। अब मैं ऑफ कैमरा ये नेक्स्ट साइज भी करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। डन विद बोथ द आईज, दोनों आईज पे मैंने सेम तरीके से जैसे भी ब्लेंडिंग करी ना वैसे हो चुकी है। मैं सेकंड कोट आफ्टर लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। तो अब अपन अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले लाइनर लगाऊंगी। मैं न्यूड शेड की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा मेकअप स्मोकी भी लग रहा है एंड इंडियन वाला मेकअप भी लग रहा है। सो मैं जो लिपस्टिक है वो न्यूड अप्लाई करूंगी, न्यूड पिंक लिपस्टिक आज अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिप को लाइन कर रही हूँ लाइक दिस। ये लिप लाइनर बहुत अच्छे हैं, मार्स के हैं, मैं इनको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट लुक एट यू गाइस, डन विद द लिप लाइनर। अब मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, उसके लिए मैं मेबलिन की लिपस्टिक ले रही हूँ। इसको सिर्फ मैं हल्का हल्का अप्लाई करूंगी बिकॉज मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप रखना है। सो ये हल्का सा लगाओगे और लिप को समर्ज करोगे तो इट लुक सो गुड। अगर आपको इसका डार्क लिपस्टिक रखनी है तो आप रख सकते हो, बट आई प्रेफर कि मुझे मेरी आईज का मेकअप डार्क हो, लिपस्टिक लाइट होनी चाहिए। तो यार इसको अच्छे से मर्ज कर देंगे। जस्ट लुक एट यू गाइस, मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ फिक्सर लगाना है और उसके बाद मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा और आपको ना एक अलग सा ग्लो मेरे फेस पर दिखेगा। दो मिनट रुक जाओ। लास्ट स्टेप है मेरा फिक्सर, जो मेरा फेवरेट फिक्सर है उसको मैं अप्लाई कर लूंगी। आईज, आप कोशिश करो कि आईज का मेकअप करने से पहले फिक्सर अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेरा फिक्सर सूख जाए उसके बाद मैं सेकंड कोट अप्लाई करूंगी मस्कारा की, ताकि ना एक फॉल्स लैशेस वाला लुक दे। सेकेंड कोट अप्लाई करने वाला जो ट्रिक है ना, ये करके देखना, आपको सब पूछेंगे कि फॉल्स लैशेस तो नहीं अप्लाई कर रखे ना। लिटरली इट्स सो गुड, दिस ट्रिक इज सो सो गुड। जस्ट लुक एट यू ऑल गाइस, लिटरली लग रहा है ना कि मैंने एक फॉल्स लैशेस अप्लाई कर रखे हैं, बट ट्रिक तो आपको पता है कि मैंने क्या किया है, किसी को बताना मत। सो डन विथ माई मेकअप, अब मैं ऑफ कैमरा बिंदी लगाती हूँ, ज्वेलरी पहनती हूँ, थोड़ा सा हेयर्स को सेट करती हूँ, मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो या गाइस, दिस इज माय मेकअप लुक। मैंने फटाफट से बिंदी लगा ली है, ये मोती वाले हूप्स पहन लिए, इसको मैचिंग करते हुए मैंने ये बैंगल्स पहन लिए मोती वाले। सो या, यही सिंपल सा मेकअप लुक था मेरा। और ये ना मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी बहुत करती हूँ, कभी मुझे शूट्स पे जाना होता है, नाइट आउट करना होता है, तो ये मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा सा नाइट टाइम रखना है इसको, तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लो तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। नाइट में अलग सा जो हाइलाइटर है वो स्पार्कल करेगा। हेयर्स को बिल्कुल मैंने नॉर्मल सा रखा है, बिल्कुल कंघी भी नहीं किया है, हाथों से बनाया है। या आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे तो ये बहुत प्रिटी लगता है यार। अब आप मेरा मेकअप लुक थोड़ा सा क्लोज से देख लो। It's all I like.
या गाइस यही थी मेरी सिंपल सी मेकअप लुक, जिसे मैंने बहुत इजीली स्टेप्स में आप लोगों को मेकअप सिखाया है। आप लोगों को मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, अगर आप लोग वो फॉलो करते हो और आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वो ऑलरेडी पता थी। जैसे कि ना कॉन्टोर मैंने अप्लाई नहीं किया, फिर भी लिटरली देखो ऐसा लग रहा है मैंने कॉन्टोर अप्लाई कर रखा है। सो वो एक ट्रिक है। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना है, फिक्सर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, तो वो। और फिर आपको ब्लेंड कैसे करना है, मस्कारा वाली जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई कि आपकी लैशेस काफ़ी फुलर लगेंगे, सो वो अगर आप कुछ लोग जो ट्रिक्स अगर आप लोगों को समझ आएगी और आप लोग करते हो और अगर आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होते ना तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और या और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हो आप लोगों के पास नेक्स्ट मेकअप लुक में कौन सी करूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सारे प्रोडक्ट के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो या यही थी मेरी सिंपल सी मेकअप लुक, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय यू ऑल गाइज, बाय।